अब ये इनका बटर क्रोसेंट है, ये खासा महंगा होता है, 180 रुपए का। क्रोसेंट को देखने के लिए सबसे पहले इसका टेक्सचर चेक करना पड़ेगा। अच्छा एरी टेक्सचर है। अगेन मुझे काटते हुए वो क्रंच महसूस नहीं हुआ जो 180 रुपए के क्रोसेंट में आना चाहिए। क्रोसेंट अगर डबल रोटी जैसा हो ना फीलिंग में, इसका मतलब वो क्रोसेंट नहीं है, क्रोसेंट को क्रंची होना चाहिए। अच्छा अब इसका बाइट लेते हैं। बटर की फील तो अच्छी आ रही है, मगर जितने इसके पैसे हैं उतनी क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं है। अब आते हैं इनका क्लब सैंडविच। ये क्लब सैंडविच 290 रुपए का है। अच्छा एक ही है 3 स्लाइस का। ये बेसिकली कोल्ड सैंडविच है। कोल्ड सैंडविच की भी अपनी कैटेगरीज होती हैं। इट्स नॉट अ फ्रेशली बेक, जब ऑर्डर पे फ्रेश नहीं बनाया है, ये बेकरी वाले सैंडविच होते हैं ना, ये उसके कॉम्बिनेशन है, थोड़ा सा उससे अच्छा है। पैसों में बहुत महंगा है, 290 रुपए में आधा सैंडविच, और फिलिंग और क्वांटिटी के हिसाब से कोल्ड वाली वाइब तो अच्छी आ रही है, क्योंकि मुझे कोल्ड सैंडविचेस पसंद है, बट मैं इसको 290 रुपए दे के नहीं खाऊंगा, मगर टेस्ट में बुरा नहीं है, अच्छा है। अच्छा कैमरामैन साहब ने बताया भाई कि वीडियो लंबी हो गई है, तो ये वीडियो 3 पार्ट्स में आएगी आप लोगों के पास, तो एक के बाद दूसरा पार्ट फिर तीसरा पार्ट, तीनों पार्ट में अलग इंटरेस्ट है और तीनों पार्ट को जरूर देखिएगा, तीनों पार्ट में अलग अलग प्रोडक्ट्स रिव्यू हुई है।